नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बैंकिंग एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जो भी मेरे प्यारे दोस्त जुड़े हैं एक बार बता दीजिए, ऑडिबल एंड विजिबल है। और आप सभी जानते हैं हम करंट अफेयर की 3 मंथ की क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो भी पेपर होने वाले हैं, चाहे वो सूरत पीपल्स कॉरपोरेटिव हो, IDBI बैंक हो, या SBI से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए, साथियों की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाए, उन सबकी बात करते हैं। और एक बार बस कंफर्मेशन दे दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, ऑडिबल एंड विजिबल है। नमस्ते मेरे प्यारे भाई अक्षय। और एक साथियों, पुराने यानी कि जब भी हमने करंट अफेयर लिया होगा, एक माइनर मिस्टेक हो गया है और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार उसको देख लेते हैं। साथियों, हम लोगों ने देखा था कि ये 2023 की अगर बात करेंगे तो पूछा था 2023 में दूसरी सेकेंड नंबर की उस कंपनी का नाम बताइए जो कि क्या बना है, यूनिकॉर्न बना था। साथियों, पहले तो हमने देखा था जेपेटो था सर, मेरे प्यारे साथियों अगर आपको याद हो। और पिछली बार में हुआ था कि जेटा मैंने बात कर दिया था, अरे वो बात गलत है साथियों, आप याद रखना इनक्रेड नाम की जो कंपनी है ये क्या है, सेकेंड नंबर की यूनिकॉर्न कंपनी है। लेकिन किस साल की, 2023। हमारे देश में लगभग आप बात कीजिए 135 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनी है। बस ये पूछा भाई 2023 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी थी, जेपेटो बनी थी या दूसरी कौन बनी है, इनक्रेड बनी है। और हम मैं पहले पिछली ही लेक्चर में बात कर चुका था कि साथियों कि यूनिकॉर्न क्या होता है, ऐसी कोई भी कंपनी जिसका अगर आप बैलेंस शीट बात करेंगे 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर का हो गया है तो आप कहेंगे वो यूनिकॉर्न कंपनी है। खैर, हम लोग यहाँ पे थे कि हाँ, ये भूमि राशि पोर्टल, क्या साथी हो, भूमि राशि जो पोर्टल है न्यूज में सर बहुत चल रहा है, तो आप इससे क्या समझते, भूमि राशि पोर्टल का यूज कौन, इनमें से कौन सा मंत्रालय के द्वारा। साथियों मैं बता दूं, जब भी नेशनल हाईवे के लिए रोड बनाना है साथियों, क्या बनाना है, रोड बनाना है, और टेंडर पास हो और क्या हो, रोड बनाने में क्या आ रहे हैं, वो घर आ रहे हो, जमीन आ रहे हैं, तो लोग अपना डायरेक्ट जो जमीन है, लैंड है, इस पोर्टल पे जाके क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। कौन पे, भूमि राशि पोर्टल पे। और ये चलाता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे चलाता है साथियों। पूछा जा सकता है भाई, हाँ रोड से जुड़ा हुआ है, आप बताना भूमि राशि पोर्टल किससे जुड़ा हुआ है, जब भी नेशनल हाईवे पास हो, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका घर उस नेशनल हाईवे के बीच में आ रहा हो, बनने वाला हो, और सरकार उस जमीन को एक्वायर करना चाह रही हो, लेना चाह रही हो, तो डायरेक्ट कहां पे जाके अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सरकार को नोटिफाई कर सकते हैं, भूमि राशि पोर्टल के माध्यम से। यहां तक कि हर एक प्रकार का कितना प्राइस चल रहा है, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, A to Z सब आपको मिल जाएगा भूमि राशि पोर्टल पे। और ये चलाता कौन है बताना, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। साथियों पूछा है कि हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन के बारे में तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी जानते हो, तो इससे तो प्रश्न भी बनते रहते हैं, कब से काम कर रहा है, 1945 से काम कर रहा है, आपको बताना हो एग्जैक्ट तो और बता सकते हैं, 24 अक्टूबर 1945 से, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका के USA के न्यूयॉर्क सिटी में है साथियों, बस इसी के सेक्रेटरी जनरल का नाम बताना है। अगर आपसे पूछा जाए भाई नागोजी और कुंजा इवालिया, इनका तो नाम सुना होगा भाई, ये पहली महिला बनी है क्या प्रेसिडेंट या डायरेक्टर का, ये कहां पे, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एंटोनियो गुटेरस 9 नंबर के क्या है, सेक्रेटरी जनरल है, किसके, यूनाइटेड नेशन के। हेनरीटा एस फोर, आपने सुना होगा यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड के अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो आप बताना है हेनरीटा एच फोरे और टेडोर्स एडहानोम, बिल्कुल आप लिख रहे हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है साथियों, टेडोर्स एडहानोम। और जॉन स्टेलनबर्ग किसके हैं, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन सुना होगा नाटो, NATO, नाटो के अगर पूछा जाए कौन है प्रेसिडेंट, तो जेन स्टोलेनबर्ग है साथियों। फिलहाल अपने से सिर्फ पूछा था कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूं, द टर्म JN1, क्या जो JN1 जो टर्म है, या साथ ही साथ एक पिरोला, ये भी एक प्रकार का क्या है साथियों, वायरस है,
डेट वर रिसेंटली मेकिंग न्यूज आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जो जो दोनों टर्म है आप बात कीजिए जे एन वन या पिरोला का, ये इनमें से किससे संबंधित है मेरे प्यारे साथियों। और मैं बता दूं 2000 अगर बात करेंगे 23 के जनवरी में ही, इसी साल की मैं बात करूं, ये यूरोपियन यूनियन में देखा गया और इसका पहला केस हमारे देश के केरला में आया है साथियों, जिसकी वजह से बहुत न्यूज में चल रहा है। आप कहिए COVID-19 का एक वेरियंट आ गया है। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट है मास्क को अब क्या कर रही है, कंपल्सरी कर रही है, क्योंकि COVID-19 का ही एक वेरिएंट आया है जिसका नाम आप क्या पढ़ रहे हैं, JN.1। आप बोलिए कोरोना वायरस का एक और वेरिएंट चर्चा में आ गया है साथियों, जिसका नाम क्या है, JN.01, जो केरला और गोवा में इसके कुछ केसों की क्या की गई है, पुष्टि की गई है, देखा गया है साथियों। इसका पहला मामला अगर देखा जाए JN.1 का, तो यूरोपीय देश में देखा गया था साथियों और लग्जमबर्ग में देखा गया था, उसके बाद सितंबर महीने में अमेरिका में भी देखा गया था साथियों। इसका जो वेरिएंट है उस वायरस का, उसका वंशज किसका वंशज, BA.2.86 का वेरिएंट बताया जा रहा है, जिसको वैज्ञानिक रूप से आप क्या बोलते हो, JN.1 को पिरोला के नाम से जानते हैं। तो भाई अभी COVID-19 का कौन सा इनमें से, आपको ऑप्शन के माध्यम से पूछे कि कौन सा वेरिएंट आया है, तो JN.1 आप बताना वेरिएंट आ गया सर। सर्वेद क्या साथियों सुनना, सर्वेद महामंदिर विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, दुनिया का सबसे बड़ा योगा सेंटर के तौर पे आप देख रहे हैं साथियों, इनऑग्रेट रिसेंटली इन लोकेटेड विच सिटी, ये कौन से सिटी में लोकेट करता है जो दुनिया का साथियों सबसे बड़ा योगा सेंटर के तौर पे देखा जा रहा है साथियों। और मैं बता दू लगभग 7 मंजिला है, 7 मंजिला इमारत है, और मैं बता दू इसमें आपको 20,000 लोग एक साथ बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। और साथियों ये भी ध्यान रखिए इसको कितने करोड़ से, कई बार कैपिटल पूछ लेते हैं भाई कितने कैपिटल कितने कॉस्ट से बनाया गया है, तो लगभग मेरे प्यारे साथियों 1,000 करोड़ से बनाया गया है। और नाम क्या है इस बिल्डिंग का, लार्जेस्ट मेडिसिन सेंटर का, तो सर्वेद क्या सर्वेद महामंदिर है। और यूपी मोदी जी कहां से निर्वाचित होते हैं, हमारे देश के जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, अगर आपसे पूछा जाए इनका कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया क्या है, तो वाराणसी। और मैं बता दूं साथियों वाराणसी में ही इसको क्या क्या, हाँ बिल्कुल 7 फ्लोर है, बिल्कुल सही बात है। अगर पूछा जाए तो मेरे प्यारे साथियों आप जरूर याद करके रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर जिसका नाम क्या है, सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है साथियों। लगभग उसकी जो ये सेंटर बना है लगभग 4,000 वेदों और वेदों के दोहे लिखे गए हैं दीवार पे, आपको मैं बता दूं यह दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर हमको मालूम चली गया है। एक बनना कब से शुरू हुआ था मेरे प्यारे साथियों, 2004 में इसकी नींव रखी गई थी और यह बनना शुरू हुआ था। और मैं आपको बता दूं ये भी कि कितने हजार करोड़ रुपए से अगर पूछा जाए तो बताना, 1,000 करोड़ से, और कितने लोग एक साथ बैठ सकते हैं तो आप बताना 20,000, कितना मंजिला है, तो बिल्कुल जैसे कि मैं देख पा रहा हूं 7 स्टोरी है, याद रखना 7 फ्लोर का ये क्या है बिल्डिंग है, जहां पे बैठ के क्या कर सकते हैं मेडिसिन योगा कर सकते हैं साथियों। टोकनाइजेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएट विथ, साथियों आप कई बार न्यूज में क्या देख रहे हैं, टोकनाइजेशन देख रहे हैं, जो टोकनाइजेशन जो टर्म है क्या क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ है, पेमेंट सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से जुड़ा हुआ है, कौन सा शब्द टोकनाइजेशन से। दोस्तों आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा है कि टोकनाइजेशन का मतलब आप सामान्य शब्दों में OTP समझ सकते हैं, वन टाइम पासवर्ड। आप देखते हैं कई बार मेरे प्यारे साथियों आपने ई कॉमर्स कंपनियों से किसी प्रकार का सामान ऑर्डर किया, फोर मान के चलता हूं आपने फ्लिपकार्ट से क्या किया, सामान ऑर्डर किया, और सामान ऑर्डर करने पे आपको पेमेंट करना होगा क्या, नहीं सर वो रिश्तेदार है, रिश्तेदार भी होगा तब भी पेमेंट देना होगा। तो आपने अगर कार्ड का ऑप्शन चुना है मेरे प्यारे साथियों, कार्ड का ऑप्शन चुना है, तो कई बार हम क्या करते हैं अपने कार्ड डिटेल को
कार्ड डिटेल को कंपनी के साथ साझा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने नाम को साझा कर देते हो, शेयर करते हो, आप अपने कार्ड नंबर जो 16 डिजिट का होता है वो भी कार्ड कंपनी को शेयर कर देते हो, ई कॉमर्स कंपनी। आप यहां तक कि सीवीवी नंबर को, एक्सपायरी डेट, अन्य डेटा, सभी प्रकार की कार्ड से रिलेटेड डेटा को कंपनी को शेयर कर देते हो। हालांकि कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है, डेटा लीक होने की चांसेस क्या है, कम है, लेकिन हो आगे चल के मान लीजिए कोई हैकर मिला और उसने कंपनी के सर्वर को हैक कर दिया, तो कंपनी के सर्वर में तो आपके एटीएम का पूरा डिटेल पड़ा हुआ है ना भाई, वो आपके अकाउंट के साथ क्या कर सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है। तो 2019 में मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों, अलग अलग कंट्रियों ने प्रयास किया, उसी में हमारे देश ने भी के सेंट्रल बैंक आरबीआई ने भी प्रयास किया और बोला कि कोई भी कंपनी, अगर कोई भी कार्ड कंपनी है, अलग अलग ई कॉमर्स कंपनी से जब टाई अप करती है तो कार्ड का डिटेल नहीं मानेंगी, कार्ड का। अब उस पर्टिकुलर कस्टमर को आप क्या कीजिए, टोकनाइजेशन यानी कि ओटीपी प्रोवाइड कर दिए, ओनली ओटीपी भरना पड़े और जो भी पर्सनल डेटा है कार्ड को लेके, ये कार्ड का डिटेल ये ई कॉमर्स कंपनियों को शेयर ना हो। आप आसान शब्दों में कहिए, टोकनाइजेशन किसको बढ़ावा देता है, पेमेंट सिक्योरिटी को। क्यों बढ़ावा देता है, क्योंकि एक ऐसी टोकनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी कार्ड की डिटेल को बिना ई कॉमर्स कंपनी को शेयर किए हम पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। हम जब डिटेल नहीं देंगे तो हमारा डेटा कंपनी के पास नहीं जाएगा। साथियों अगला की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जरा सुनना, बिल्कुल खुशी और अक्षय मेरे भाई सही बता रहे हो, इंडिया साइन एमओयू विथ विच कंट्री इन ग्रीन हाइड्रोजन। अब तो व्हाइट हाइड्रोजन भी आ गया मेरे प्यारे साथियों, न्यूज में सुन रहे होंगे, ग्रीन हाइड्रोजन एंड सप्लाई चेन को बढ़ावा देने के लिए। आप कहिए कि ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए हमने यानी कि इंडिया ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, अर्जेंटीना के साथ किया है, सऊदी अरब के साथ किया है, फ्रांस के साथ किया है, फिनलैंड या नॉन ऑफ दीज, इनमें से किस कंट्री के साथ ग्रीन हाइड्रोजन। आपको मैं बता दूं, भारत में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी चल रहा है मेरे प्यारे साथियों, लगभग 17,744 करोड़ से। अगर आपको याद हो तो इसी साल जनवरी 2023 में लेके आए थे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। आप धीरे धीरे देख रहे हैं सरकार ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट कर रही है, क्योंकि CO2 क्या होता है, यहाँ से कम एमिट होता है, CO2 को कमी करने में काफी मदद करता है। और अभी हमने ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए सऊदी अरब के साथ क्या किया है, कोलैबोरेशन किया है मेरे प्यारे साथियों, आपको याद रखना है। विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट द OMO यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन इंडिया। अब यहां पे एक टर्म और भी आप बात कर सकते हैं, जब भी ओपन मार्केट ऑपरेशन आ जाए तो इसमें दोनों प्रक्रिया होती है। इस केस में आरबीआई क्या करता है, इस केस में मेरे प्यारे साथियों आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सेल भी करता है अगर पूछा जाए, और परचेज भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि पैसे खींचना है या पैसे बढ़ाना है, तो सेल एंड परचेज भी करता है। यहां पर सेल भी लिख दिया तो कोई गलत नहीं लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बताना भाई, ओपन मार्केट ऑपरेशन इनमें से कौन सी संस्था के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, आरबीआई के द्वारा। OMO का फुल फॉर्म याद रखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सुनना, विच कंट्री लॉन्च यूरोप फर्स्ट फुल प्राइवेट रॉकेट जिसका नाम है Mirua 1। आपको पूछा जा रहा है कि उस यूरोपियन कंट्री का नाम बताइए जो जिसने अपना पहला फुल्ली प्राइवेट रॉकेट जिसका नाम है Mirua 1, जैसे स्पेस एक्स ने, बच्चे Falcon 9 आप पढ़ते हो, Falcon 9 पढ़ते हैं, जैसे हमारे इसरो का JSLV पढ़ते हो ना, JSLV, वैसे ही साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि किस यूरोप की उस कंपनी का कंट्री का नाम बताइए जिसने अपना खुद का रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम है Mirua 1। या पूछे जाए कि Mirua 1 क्या है, तो रॉकेट है, और यूरोप की कंपनी है, यूरोप का कौन सा देश है, तो मेरे प्यारे साथियों मेरे दोस्तों याद रखना, स्पेन ने है। बिल्कुल अच्छा मेरे भाई, बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंडिया इन द एशियन गेम 2023 अंडर मेडल टेली। जो मेरे प्यारे साथियों एशियन गेम हुआ था, एशियन गेम,
उसमें भारत महान की रैंकिंग कौन सी रही थी, मेडल को जीतने में, मेडल को प्राप्त करने में? क्या पहले नंबर पे था, थर्ड नंबर पे था, फोर्थ पे था, सिक्स पे था, या नॉन ऑफ दीज? इनमें से इंडिया की रैंकिंग आपसे पूछा जा रहा है। जो भी आसियान गेम हुए थे इसमें इंडिया का जो रैंकिंग था मेरे प्यारे साथियों, क्या पहला बताना चाह रहे हो या थर्ड बताना चाह रहे हैं, फोर्थ बताना चाह रहे हैं? तो अगर आप फोर्थ बताना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप बताइए। और पहले नंबर पे कौन था मेरे प्यारे साथी हो, तो याद रखना चोरवा था कितने मेडल के साथ, 383। सेकंड नंबर पे कौन था, जापान था 188 मेडल के साथ। और थर्ड नंबर पे साउथ कोरिया था साथी हो, वो 190 मेडल के साथ। और फोर्थ पे अपना भारत महान था, पूछा जाए कितने मेडल के साथ, तो 107 मेडल के साथ। और जिसमें अगर आप बात करें मेरे प्यारे साथियों, 28 क्या थे, गोल्ड थे। वहीं चाइना की बात करें तो इन्होंने 201 क्या किया था, गोल्ड जीता था, गोल्ड मेडल जीते थे साथियों। सबसे टॉप पे चाइना, सेकंड चाइना, जापान, साउथ कोरिया, फिर इंडिया। और इंडिया कई बार नीचे पूछ लेते हैं, इंडिया के नीचे वाला कौन सा देश था, तो उज्बेकिस्तान। बिलो लैंग्वेज आप जानते हो भाई कैसे यूज करते हो लोग, इंडिया के नीचे कौन था भाई, यानी कि वो पांचवें नंबर का पूछना चाह रहे हैं, उज्बेकिस्तान। छठे नंबर का बच्चे यहां तक तो जाएंगे नहीं, टाइपे ही था, लेकिन टेंशन लेना नहीं है, आप कम से कम 5 याद करके रखिए, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। चाइना के एबो कौन है, तो तीसरे नंबर पे साउथ कोरिया है। विच स्टेट लॉन्च रोजगार प्रज्ञा पोर्टल, बताइए किस राज्य ने अपने राज्य में युवाओं को रोजगार देने के लिए और युवाओं को रजिस्ट्रेशन करने के लिए युवाओं को मौका दे रहा है कि अगर आप बेरोजगार हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, और सरकार भरपूर प्रयास करेगी कि आपके पास इंप्लॉयमेंट हो, यानी कि जॉब हो, उसको बढ़ावा देने के लिए रोजगार प्रज्ञा पोर्टल कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? असम के द्वारा साथियों, उत्तराखंड के द्वारा, बिहार के द्वारा, ओडिशा के द्वारा, या फिर नॉन ऑफ दीज? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखना, आपसे पूछा जाएगा। अभी हाल ही में उत्तराखंड पहला बना था, आजादी के बाद पहला राज्य जिसने क्या किया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड मेरे प्यारे साथियों। खैर देखते देखा जाएगा, वो बहुत बेहतरीन, कई बार आप इसको देख चुके हैं इस न्यूज को, श्रेष्ठ स्कीम साथियों। गुजरात इसको पूरी तरह से लागू कर चुका है। श्रेष्ठ स्कीम के बारे में बताना है, श्रेष्ठ स्कीम विच वॉज सीन इन द न्यूज वॉज लॉन्च बाय विच मंत्रालय, कौन से मंत्रालय के द्वारा अगर बात किया जाएगा श्रेष्ठ स्कीम को चलाया जाता है। और मैं बता दूं इसका मेन उद्देश्य क्या है, सुन लेना, इसका मेन उद्देश्य क्या है बच्चे, एससी एंड एसटी या माइनॉरिटी जो एरिया है वहां पे एजुकेशन को क्या करना, एजुकेशन को बढ़ावा देना सर, एजुकेशन को बढ़ावा देना। आपसे पूछा जा रहा है कि श्रेष्ठ जो स्कीम है किसके द्वारा चलाया जाता है, कौन से मंत्रालय के द्वारा, तो बिल्कुल आप बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों आप सभी सही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावर। याद रखना भाई, श्रेष्ठ का मेन उद्देश्य क्या है, एजुकेशन को क्या करना, बढ़ावा देना। अगली बात देखना, विच इंडियन स्टेट या यूटी लॉन्च अरुणोदय 2.0 स्कीम ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम, जो किसको खत्म करने के लिए भाई, गरीबी को, किसको, गरीबी को खत्म करने के लिए है। और साथ ही साथ एसडीजी का गोल नंबर कौन सा, 1 को भी क्या करता है, पूरा करता है, कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? हाँ बिल्कुल अच्छे मेरे भाई, सही बता रहे हो, कौन से राज्य का ये योजना है मेरे प्यारे साथियों, अरुणोदय स्कीम, जो कि गरीबी को खत्म करने के लिए, एलिवेशन उन्मूलन को खत्म करने के लिए किस राज्य ने लेके आई है? क्या ओडिशा है, असम है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, या इनमें से कोई भी नहीं है, इनमें से कौन सा राज्य? तो मेरे प्यारे साथियों बताना, असम गवर्नमेंट है। और इसके तहत पर मंथ महिलाओं को, स्पेशली बच्चे महिलाओं को कितने रुपए देते हैं पर मंथ, 1250। और ये 1250 वो भी क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अकाउंट में देते हैं। और राज्य की कितनी लाख महिलाएं बेनिफिट हो रही हैं, 26 लाख महिलाएं क्या हो रही है, बेनिफिट हो रही हैं। और एक पर अरुणोदय किस टाइप का एजुकेशन देने के लिए है, क्या जवाब है, नहीं, पॉवर्टी को क्या करना है, खत्म करना है, किसके द्वारा, असम गवर्नमेंट के द्वारा। साथियों जरा सुनना, व्हाट इज द रैंक
इन इंडिया ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर मेरे प्यारे साथियों बात करते हो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हो, तो भारत महान की रैंकिंग गिरी थी, आपको मालूम होता। हमने इंप्रूवमेंट नहीं किया था, हमने कुछ एक रैंक का डाउनफॉल पे आए थे साथियों। बस बताना है कि हम कौन से नंबर पे थे, 111 पे थे क्या? 111 खुशी बता रही हो, और बताओ, और मेरे भाई कौन बताएंगे, एक बार और सोच लो प्लीज, आप देख लीजिए। आप बताना कितने पे, 101 पे, 100 पे थे ना भाई पिछली बार, इसलिए मैंने कहा एक बार और सोच, एक बार और अच्छा 6 रैंक का इंप्रूवमेंट किए थे क्या पिछली बार? इस बार फिर 6 रैंक का क्या किए थे, इंप्रूवमेंट किए थे, आप बताना है। 101 नंबर पे थे भाई, वही हमारे पड़ोसी देशों में अगर बात करोगे तो अब पाकिस्तान कितने पे है, 102 नंबर पे। बांग्लादेश की बात करोगे मेरे प्यारे साथी, वही क्या पूछा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल 100। बिल्कुल मेरे भाइयों 111 है, बाय मिस्टेक हुआ है ये, 111 है, कहीं दिया भी होगा ग्लोबल हम पर प्रीवियस रिपोर्ट द 111 बिल्कुल, कितने देशों में, 125 देशों में। और अगर आप बात करेंगे पाकिस्तान हमसे बेहतर 102, बांग्लादेश 81 है, और नेपाल कितना 69, और श्रीलंका भी मेरे प्यारे साथियों याद रखो पूछा जाए तो 60 पे, जो कि इंडिया से काफी बेहतर है। इंडिया का रैंकिंग बच्चे बिल्कुल डाउनफॉल हुआ था, माफी चाहता हूं, और 111 पे आप याद करके रखना, ठीक है। इंडियन नेवी हैज साइन एन अरेंजमेंट विथ विच आईआईटी फॉर ज्वाइंट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडियन नेवी ने भाई, इंडियन नेवी ने किसके साथ कोलैबोरेशन करके क्या करना चाहते हैं, नेवी के फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं। आईआईटी कानपुर है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी मद्रास, किसको बताना चाह रहे हैं मेरे प्यारे साथियों? तो याद रखना, अगर पूछा जाए इंडियन नेवी ने, इंडियन नेवी ने किसके साथ, आईआईटी कानपुर के साथ क्या किया है प्यारे साथियों, कोलैबोरेशन किया है आईआईटी कानपुर के साथ, और मिलके क्या करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। प्लीज यहां पे कानपुर रखो यार, ठीक सुनना। हाउ मेनी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैज बीन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अप्रूव इन ओपन इन द स्टेट। यूपी में कितने साइबर पुलिस स्टेशन खोले जा रहे हैं साइबर क्राइम को रोकने के लिए? जैसे आपको याद हो केरला कोकोन, याद है कोकोन नाम का कॉन्फ्रेंस करता है, सेम वो भी, उसका भी मेन उद्देश्य क्या है, स्कैमर्स को क्या करना, लगाम लगाना साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए कोकेन। वैसे ही मेरे प्यारे साथियों अगर आपसे पूछा जाए कौन सा राज्य है जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन लेके आ रहा है, तो उत्तर प्रदेश। लेकिन यहां पे आपसे पूछा है कितने जगहों पे उत्तर प्रदेश, तो यस बिल्कुल मैं अक्षय सही बात है, 57 प्लेस पे, क्या 57 प्लेस पे उत्तर प्रदेश क्या लेके आ रहा है, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन लेके आ रहा है दोस्तों, जिसमें बहुत सारे हैं, गाजियाबाद है, रायबरेली है, सीतापुरा, 57 तो रट नहीं सकते हैं, और ये एरिया पूछे हुए नहीं, बस आप डेटा को क्या कीजिए, रट के रखिए कौन सा राज्य लेके आ रहा है, ये रट के रखिए। विच क्रिकेट प्लेयर विल बी ऑनर विद द अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड इनमें से किस प्लेयर को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा बच्चे, अब तो दे दिया दिया जाएगा, बताओ। हाँ बिल्कुल अक्षय, बिल्कुल मेरे भाई आपको बताना है अर्जुन अवार्ड कौन, रोहित शर्मा है, मोहम्मद शमी है, सूर्य कुमार यादव है, या शुभम गिल है, किसको बता रहे हो मेरे प्यारे साथियों? क्या मोहम्मद शमी को दिया गया था क्या, और टोटल 26 लोगों को दिया गया, अगर आपको मालूम हो तो।
हाँ दूसरा बिल्कुल सही बात है, पूछा जाए तो बताना मोहम्मद शमी। और टोटल कितने लोगों को दिया गया है बच्चे खेल मंत्रालय ने इस साल कौन कौन से अवार्ड? एक तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और उसके साथ साथ अर्जुन पुरस्कार का भी फैसला कर दिया है। और टीम बनी थी, कितने कमेटी बनी थी, उस कमेटी में कितने लोग थे? 12 लोग थे। और अर्जुन अवार्ड कितने स्पोर्ट पर्सन को दिया गया है मेरे प्यारे साथियों? 26 स्पोर्ट पर्सन को दिया गया है। और कमेटी कौन से मंत्रालय के द्वारा मेरे प्यारे साथियों? तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट मंत्रालय के द्वारा नेशनल स्पोर्ट अवार्ड की घोषणा की गई है। और साथियों ये प्रेसिडेंट के द्वारा राष्ट्रपति भवन में 9 जनवरी को, याद है ना, प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं, प्रवासी एनआरआई डे मनाते हैं 9 जनवरी को, या कहिए कब दिया जाएगा, अगले साल या 2024 में दिया जाएगा। टोटल आप याद रखिए 26 व्यक्तियों को क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड मिला है। हाउ मेनी करोड़ रुपी हैव बीन एलोकेटेड फॉर द पीएम विश्वकर्मा योजना? पीएम विश्वकर्मा योजना की दोस्तों बात करते हैं तो कितने करोड़ रुपए इस योजना में डाले गए हैं? और आपको मालूम हो तो 17 सितंबर को मोदी जी का हैप्पी बर्थडे है ना, और विश्वकर्मा जी का भी क्या है, जयंती मनाई जाती है। और इसी साल 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। और आपको सभी बातें मालूम होगा मेरे प्यारे साथियों, इसमें 3 लाख का मैक्सिमम लोन का भी प्रावधान है अगर मालूम हो तो आपको। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत रीजनेबल रेट, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 500। और ये कितने प्रकार के ट्रेनिंग स्किल देता है हम लोगों ने देखा है, कितने प्रकार के? 18 प्रकार के स्किल। और जब आप स्किल सीखने जाएंगे तो इस टाइपन के तौर पे 500 रुपीज मिलेगा। और टूल किट खरीदने के लिए क्या साथियों, टूल किट खरीदने के लिए कितने रुपए? 15,000 रुपए देंगी भारत सरकार। और जो योजना को चलाने के लिए, हाँ बिल्कुल 13,000 करोड़, किन्होंने लिखा है यश खुशी, बिल्कुल सही बात है 13,000। अब तो ये शायद किसी पेपर में पूछा भी था, मुझे लग रहा है IBPS PO में पूछा था, तो बताना आसान सा प्रश्न है साथियों। बस यहाँ पे पूछा है विच हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू कैरी 100 मिलियन पैसेंजर इन एयर, सबसे ज्यादा पैसेंजर इनमें से कौन से एयरलाइंस में बैठे हैं साथियों? अगर बात किया जाए तो 100 मिलियन पैसेंजर को ले जाने वाला भारत का पहला एयरलाइंस कौन बन गया है? क्या वो इंडिगो, स्पाइस जेट है, विस्तारा है, एयर इंडिया है, नॉन ऑफ दीज? बिल्कुल बिल्कुल बता दूं साथियों, ये पूछा जा सकता है, ये इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंडिगो साथियों, बताना पूछा जाए तो। अगली बात करता हूं, सुनना, इन विच स्टेट इन द इंटरनेशनल गीता सेमिनार एंड गीता महोत्सव बींग ऑर्गेनाइज? अभी भी चल रहा है ये, अभी डिटेल तो पढ़ेंगे नहीं क्योंकि इसमें कई सारे अवार्ड भी दिए जाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है गीता जो सेमिनार है या गीता महोत्सव है कौन सा राज्य होस्ट करता है? यस, मैं देख पा रहा हूं दोस्तों, आप बताना चाह रहे हैं क्या? हरियाणा, हरियाणा में बताना यार, फरीदाबाद। Who won the मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी? इनमें से कौन से यूनिवर्सिटी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी को अपने नाम कराया है दोस्तों? कौन कराया है, कौन सा? यस अक्षय, मैंने बोला कि सभी डिटेल हम लोग करेंगे, पार्टनर स्टेट आप बता रहे हैं आसाम है मेरे प्यारे साथियों। मौलाना अबुल कलाम जो आजाद ट्रॉफी है, क्या गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर का, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब का, या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र हरियाणा का साथियों? तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, कौन सी यूनिवर्सिटी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी अपने नाम किया है? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। वन लाइनर में डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ज्यादा। इसमें आप कहिए कि कार्बन रिडक्शन के लिए कुछ बातें की जा रही है, आपने कई बार सुना होगा कार्बन टैक्स, कई बार आपने सुना होगा कार्बन टैक्स के बारे में। और आपने ये भी पढ़ा होगा भारत ने भी लगभग जून जुलाई में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग नाम का प्रोग्राम चलाया था, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग नाम का प्रोग्राम, जिससे CO2 को क्या करना था, कम करना था। और अक्टूबर में भी न्यूज में था। अब बस यहां पे न्यूज में ये पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द कार्बन टैक्स, उस कार्बन टैक्स का नाम बताइए जो कि कौन लेके आ रहा है? ब्रिटेन यूके लेके आ रहा है। और इसने अनाउंसमेंट कर रहा है कि 2027 से
कुछ सिलेक्टेड मटेरियल पे, और वो भी जो कहां पे इंपोर्ट किए जाते हैं, अलग अलग कंट्रियां जब क्या करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, या आप कहिए यूके क्या करता है, इंपोर्ट करता है भाई, उन मटेरियल पे क्या लगाने वाला है, कार्बन टैक्स। जैसे स्टील अगर किसी ने इंपोर्ट किया यूके में, या एल्यूमिनियम इंपोर्ट किया यूके में, तो वहां पे क्या लगेगा, कार्बन टैक्स लगेगा। उसी कार्बन टैक्स का नाम पूछ रहे हैं, क्या कार्बन बॉर्डर टैक्स है या कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ग्लोबल एमिशन इंपोर्ट लेव है, या क्रॉस बॉर्डर कार्बन सरचार्ज है। एक बात तो जान लो साथियों, दूसरा नहीं होगा, क्योंकि सुनना, यूके और अदर कंट्रिया मिलकर एक प्रोग्राम चलाती है जिसका नाम है CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसका मेन उद्देश्य क्या है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते समय हम इतना ध्यान रखें कि CO2 को क्या किया जाए, कम किया जाए। तो इसी के तहत वो कार्बन टैक्स लेके आया जा रहा है। इंडिया को नुकसान हो सकता है क्या, या दूसरे देशों को फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। आप समझिए कि हमारे सामान जब इंपोर्ट हम लोग करेंगे कहां पे, यूके में, अगर टैक्स लग जाएगा तो प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हो सकते हैं हमारे सामान दूसरे कंट्री की तुलना में यूके ब्रिटेन में महंगे हो जाए, और हमारे जो लोकल इंडस्ट्री जो उनको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। आप टैक्स का नाम बताना CBT, क्या नाम बताना मेरे प्यारे साथियों, CBT, कार्बन बॉर्डर टैक्स। पूछा जाएगा कार्बन बॉर्डर टैक्स किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन को कम करने के लिए, CO2 को कम करने के लिए। कौन सा देश लेके आ रहा है, यूके लेके आ रहा है। कब लगाएगा भाई, कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट को जो कि वो क्या करता है, इंपोर्ट करता है, उन प्रोडक्ट मेन उद्देश्य क्या है, CO2 को क्या करना, कम करना। और आपको मैं बता दूं, इंडिया की बात करूं, लगभग 8.22 बिलियन अमेरिकन डॉलर का क्या करता है, यूके में क्या करता है भाई, इंपोर्ट करता है कौन, इंडिया। तो इंडिया को बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है, जैसे इंडिया की तरफ से आयरन हो गया, उसके बाद स्टील हो गया, आयरन एंड स्टील हो गया, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट हो गया, ये सब क्या किए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं। इससे भारत में जो भी निर्यात होंगे, एक्सपोर्ट होंगे, उसकी लागत क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो हमारे सामान हो सके आने वाले भविष्य में यूरोपियन यूनियन अलग अलग जो देश हैं वहां पे क्या हो सकता है, महंगे हो सकते हैं, और वहीं पे दूसरे देश के व्यापारियों के सामान अगर सस्ते हुए तो हमको नुकसान हो सकता है, ये आशंका जताई जा रही है। देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ हाउ मैनी करोड़ विथ मझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ सिक्स नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस छह नई टेक्नोलॉजी का न्यू जनरेशन ऑफर पेट्रोल वेसल जहाज खरीद रहे हैं, और ये जहाज क्या है, पेट्रोल निगरानी करने के लिए। किनके लिए खरीद रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। बस कितने का डील हुआ है आपसे पूछा जा रहा है, कितने का डील हुआ है आपसे पूछा जा रहा है। अक्षय बता रहे हैं 1614 करोड़ रुपए का, 1614.89 करोड़ का। तो मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल सही है, और कितने खरीदे जा रहे हैं वेसल, छह आप बताना, सिक्स, और किनके लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। साथियों नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष सर्वानंद सोनवाला, ये असम राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं साथियों, रिलीज अ कॉमेमोरेटिव पोस्टल, ये याद में साथियों एक डाक टिकट जारी किया गया है, कॉमेमोरेटिव पोस्टल स्टैंप जारी किया है, टू मेक द फर्स्ट फाउंडेशन डे ऑफ विच इंस्टीट्यूट, किस संस्था के एक साल पूरे होने पे एक पोस्टल स्टैंप डाक टिकट जारी किया गया है, कौन से संस्था के, AIIA, यस में प्यारे साथियों आपको याद रखना है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने कितने साल पूरे कर दिए हैं, एक साल पूरे कर दिए हैं, और इस उपलब्धि में मेरे प्यारे साथियों मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक कॉमेमोरेटिव पोस्टल स्टैंप क्या किया है, जारी किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, बहुत अच्छा, विच बैंक हैज रिसेंटली रिसीव द ऑथराइजेशन ऑफ कलेक्ट द रिवेन्यू, किस बैंक को हाल ही में असम गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया है कि असम में टैक्सेस को क्या साथियों, टैक्सेस को क्या करे,
कलेक्ट करे, लेकिन टैक्सेस में भी कौन सा मेरे प्यारे साथियों, कौन सा रिवेन्यू वाला जो पोर्शन है उस वाले पोर्शन को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, कौन सी गवर्नमेंट ने, असम गवर्नमेंट ने, और कौन से पोर्टल के माध्यम से, EGRAS, यानी कि आप बात कीजिए गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंट सिस्टम के माध्यम से। क्या वो बैंक कोटक महिंद्रा बैंक है, बंधन बैंक है, इंडसइंड बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा? बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाएगा असम ने अपने राज्य में रिवेन्यू कलेक्शन करने के लिए किस बैंक को इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम का एक्सेस दे दिया है। अब सरकार के बिहाफ पे वो बैंक में जाके हम अपना टैक्स क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। तो बताना मेरे प्यारे साथियों उस बैंक का नाम क्या है, बंधन बैंक है साथियों, बंधन बैंक। उसके बाद बात करते हैं नेम द पर्सनालिटी फ्रॉम इंडिया हु हैज बीन रिसेंटली ऑनर द सिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है बच्चे, पूछा जाएगा उस व्यक्ति का नाम बताइए जो इंडिया का है जिसने सिक्स रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर प्राइज को अपने नाम कराया है, कौन से बुक के लिए, सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्ट पोएम्स नाम का किताब लिखा जिसके लिए छठवें नंबर का रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज से उनको सम्मानित किया गया है साथियों। किसको बता रहे हो, सुकृता पॉल कुमार को? मेरे प्यारे साथियों आप किसको बता रहे हैं? तो बिल्कुल बिल्कुल मैं बता दूं साथियों कि आप बच्चे पूछा जाए छठवें नंबर का तो सुकृता पॉल कुमार है। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, डायरेक्ट वॉल लाइनर में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की बात हो रही है, वॉन द 9th एडिशन, इसने भी एक किताब जीत लिया है जिसका नाम क्या है, लीफ एरिक्सन अवार्ड। लीफ एरिक्सन अवार्ड अभी हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने जीता, इसरो ने, लेकिन कौन से मिशन के लिए साथियों? क्या आदित्य L1 याद है ना, सन के लिए था, सन की स्टडी करने के लिए। गगनयान मिशन तो चला ही रहे हैं भाई, हमारे तीन व्यक्ति जाने वाले हैं स्पेस में। निसार, बच्चे निसार अगर आपको मालूम होगा ये जियो सैटेलाइट है, आने वाले समय में आपको जैसे गूगल मैप आता है, गूगल के माध्यम से आप अलग अलग लोकेशन को जान सकते हैं, पृथ्वी के बारे में A to Z जानकारी देगा निसार। और नासा और इसरो मिलकर निसार को लॉन्च करने वाले हैं। क्या चंद्रयान मिशन, तो यस मेरे प्यारे साथियों बताना, चंद्रयान 3 मिशन को कंप्लीट करने के लिए हाल ही में 9th एडिशन लीप एरिक्सन अवार्ड जीता है किसने, इसरो ने मेरे प्यारे साथियों। बात करें नेम द पर्सनालिटी हु हैज रिसेंटली वॉन द 5th एडिशन ऑफ मिस कॉन्टिनेंटल। साथियों इनमें से वो कौन से व्यक्ति हैं जो मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल अवार्ड पेजेंट में लीड रोल अपनाया है, जीत लिया है इंडिया के तरफ से, इंडिया के तरफ से कौन, किन्होंने मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल अवार्ड पेजेंट अपने नाम कराया है? तो साथियों किसको बताओगे, तो बताना इंडिया के रहने वाले रावल है, कौन, आस्था रावल। कौन है, आस्था रावल। थर्ड जवाब मेरे प्यारे साथियों याद रखना, थर्ड। नेक्स्ट, नेम द पर्सनालिटी हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इंडक्टेड द गवर्नमेंट बोर्ड मेंबर टू द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में भारत के पहले व्यक्ति शामिल होने वाले, उस व्यक्ति का नाम बताइए। ये कहां, स्विट्जरलैंड के लुआसने में इसका हेडक्वार्टर है, किसका, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। अब इसी के ग्रुप में भारत के पहले व्यक्ति फर्स्ट इंडियन का नाम बताइए, क्या वीता दानी है, सुजय है, चेतन है, नैना है या इंदु है, इनमें से किस, कौन से वो व्यक्ति हैं जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में पहले भारतीय बने हैं शामिल होने वाले, बिल्कुल आप बताना, वीता दानी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूं दोस्तों, आपसे पूछा जाए इंडिया रिकॉर्ड हाउ मच एनुअल FDI इनफ्लो इन फाइनेंशियल ईयर 21-22, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हमारे देश में कितना FDI आया है, क्या 83.57 बिलियन डॉलर का, 75.60 बिलियन डॉलर का, 85.83 बिलियन डॉलर या 6.37.78। बहुत अच्छा,
यहां पे अर्चना बता रहे हैं कि ये जवाब सही है, बिल्कुल मैं कहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना कितना है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 83.57, जो कि यही मैं बात करूं 2021 में कितना था, 81.97 बिलियन डॉलर था साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है और इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट डेटा वाले पूछे जाते हैं आपसे के एग्जाम में। और आज का सफर इतना ही, अगर आपने बैंकिंग एकेडमी का स्टडी विथ बैंकिंग एकेडमी टेलीग्राम चैनल अपडेट नहीं किया है मेरे प्यारे साथियों, या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, और फिर कल नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे मेरे प्यारे साथियों। तब तक आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, रेगुलर कंटिन्यू रहिए और मस्त रहिए मेरे प्यारे साथियों। कल मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ।